हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, ठीक है? आपको बेशक जो एग्ज़ाम टाइम जो आपके पोस्टपोन हुए हैं, टाइम आपको अवेलेबल हुआ है एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी नींद पूरी करनी है, आप लोगों को एंजॉय करना है। जो टाइम मिला है उस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। मे बी पहले ऐसा होता कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में अपेयर होते तो आपके 120 में से 80 मार्क्स आते, लेकिन अभी इतनी तैयारी करो कि 120 आउट ऑफ 120 ही मुझे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है? सो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। मैं अगर बात करूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, आइदर वो हमारे पेड कोर्स में है या फिर वो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में है। हमने नियर अबाउट 2 मंथ पहले आपके मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं बात करूं तो आप लोगों ने, चाहे आप पेड यूजर हो, ठीक है, चाहे आप लोग पेड यूजर हो, चाहे आप लोग हमारे मॉक टेस्ट में ऐड हो, ठीक है, चाहे पेड यूजर हो, चाहे आप लोग मॉक टेस्ट में ऐड हो, तो आप लोगों की जो तैयारी है उसमें अभी तक क्या क्या आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपका जो पार्ट कंप्लीट हुआ था साइंस का, ठीक है, साइंस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। साइंस की पीडीएफ आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगी, जो भी पेड यूजर्स हैं उनको पीडीएफ मिल जाएंगी, सारी की सारी पीडीएफ। देन बात करें साइंस के बाद आपका जो इंग्लिश का पार्ट है, इसकी भी आप लोगों की रिवीजन होगी है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ आपका कंप्यूटर की रिवीजन कंप्लीट होगी है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ आपका जो स्टैट का पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स, इसकी भी आप लोगों की रिवीजन होगी है, ठीक है। आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने हर टॉपिक है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपने फुल मॉक अटेम्प्ट कर लिया है इसका, ठीक है। आपने इसके जो मिक्स मॉक थे वो भी अटेम्प्ट कर लिए हैं सारे। इसके बाद अगर बात करूं तो कौन सा टॉपिक आपका जो जम्मू एंड कश्मीर जीके हो गया और आपका जो इंडियन जीके है, बेटा ये सारे कंपोनेंट आपके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके सिर्फ 3 कंपोनेंट बचे हैं। अगर देखो 1, 2, 3, 4, 5 आपके जो चैप्टर हैं वो तैयार हो गए हैं। 5 चैप्टर का मतलब क्या हुआ, 30 मार्क्स यहाँ से और 10 मार्क्स सभी के आपके नियर अबाउट आपके 70 मार्क्स की यहाँ से प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है, ठीक है। इतनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा साइड पे रख के हमारा टारगेट है कि हम इस वीक में या सॉरी इस मंथ में, आपका आज सपोज 5th of June है, 5th of June से हम 30th of June तक आपका FAA का जो एग्ज़ाम है इसकी सारी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। सारी तैयारी कर लेंगे, इसको बाइंड अप कर लेंगे, फिर देन आप लोगों ने जो भी ग्रेजुएट हैं उन्होंने FAA के साथ साथ आपका सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भी फिल किया हुआ है, तो हम थोड़ा फोकस करेंगे आपका इसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर FAA की बात करूँ तो मैं तो आप लोगों को अपना सीधी सी बात है मैथ करवाने वाला हूँ तैयार, ठीक है। आपके जो अकाउंट्स के लेक्चर हैं, अकाउंट्स के 2 टॉपिक बचे हैं आपके, वो दीपक सर आपके अपलोड करते रहेंगे। दीपक सर की लाइव क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हो। प्लस अकाउंट्स के साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपके जो भी रिवीजन रहती है वो आपकी साथ साथ हो रही है। इन दोनों के मॉक टेस्ट आपके अपलोड होते रहेंगे। टेलीग्राम पे मैंने आपको जो वीक का शेड्यूल है, शायद 15 तक का शेड्यूल है, वो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे देख लो। टेलीग्राम जेके एग्जाम अगर फॉलो करो वहाँ पे हमें, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे जो मैथ का पार्ट है, सर उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, ठीक है। देखो मैक्सिमम जो लोग हैं वो मैथ से डरते हैं, क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं, उनको मैथ थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आती है। लेकिन अब आपके पास ऐसा टाइम है कि मैं अगर मिनिमम मान के चलूँ ना, तो जो भी आपको प्लान बता रहा हूँ इस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग जो मैथमेटिक्स है इसको अगर तैयार करोगे तो आपके 8 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 8 मार्क्स जो हैं वो आपके स्कोर हो जाएंगे। आप 5 से 8 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो मैथ में, और जिन्होंने 8 मार्क्स अगर मैथ में स्कोर कर लिया ना तो उन लोगों का एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, ये 2-3 सब्जेक्ट आपके जो हैं ये आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। देखिए मैथ में हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपका एक शेड्यूल बनाया है प्रॉपर पूरा, कि हम आज 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को SI और CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करनी है, देखो पहली बात तो आपको जो कोर्स अवेलेबल है ऐप पे मैथमेटिक्स का, सिंपल अलग से कोर्स है, एक मैथमेटिक्स एंड स्टैट का कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैथ का अलग से कोर्स है, मैथ का अलग से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो भी आपकी वीडियोस हैं रिलेटेड टू SI एंड CI आपने वो सारी वीडियोस देखनी है। अगर नहीं देखना है आपने यहाँ से, जो शायद 6 के अराउंड वीडियोस हैं आपकी यहाँ,
अगर नहीं भी वीडियोस देखनी है आपने ना, तो आप लोग जहां से भी पढ़े हो वहां से अपने SICI की तैयारी करो। प्लस मेरे एंड से ये रहेगा कि मैं आपको 5 मार्क्स के या 5 क्वेश्चंस के इन 2 दिनों में आपको 4 सेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको 4 सेट प्रोवाइड होंगे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आपको पेड कोर्स में भी इसके लेक्चर मिलेंगे। तो आप लोग इन 2 दिनों में SI और CI तैयार कर सकते हो। देन उसके बाद बात करूं आपका जो 7 तारीख है, 7 तारीख को यहां रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर है, ठीक है, आप इसकी तैयारी कर लो, ठीक है। सेम ऐसा रहेगा, आपने लेक्चर देखने हैं, प्लस आपको जो इसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपने सॉल्व करने हैं 7 तारीख को। देन 8 तारीख की बात करूं तो 8 तारीख क्या है आपका, 8, 9 और 10 तारीख, इन 3 दिनों में आपको तैयार करना है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपका प्रोबेबिलिटी और आपका यहां से क्या हुआ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, आपका बाइनोमियल थ्योरम, ये 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं इन 3 दिनों में। तो आप देखो 1, 2, 3, 4 और 5, आपके 5 मार्क्स की तैयारी सीधी सीधी यहां से होगी, और जो प्रोबेबिलिटी है ये आपने पहले भी पढ़ रखा है सेट में, तो आपकी नियर अबाउट अगले 6 दिनों में इन 5 मार्क्स की यहाँ पे तैयारी होने वाली है। ये हो गया आपका, ये बहुत इजी पार्ट है आपका। इसके अलावा अगर इजी पार्ट की बात करूं तो हम लोग 11th को कवर करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हो, जो आपका 2D वाला पार्ट है, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया। और आपका जो 12 और 13 है इसको हम कवर करेंगे आपका सेट, सॉरी वेक्टर, क्या कवर करेंगे आपका यहां से वेक्टर। 12 और 13 को हम लोग वेक्टर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद 14, 15, 16 को हम लोग कवर करेंगे आपका सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन की वीडियोस अपलोड नहीं है, वो आपकी जब ये टाइम आएगा 14 से पहले पहले आपका रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पूरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। जिनको मैथ से डर लगता है ना, जिनको लगता है कि हमें मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, डिफिकल्ट है, वो कम से कम ये सभी टॉपिक तैयार करो। अगर ये सारे टॉपिक तैयार होंगे तो आपके 6 से 7 नंबर मैथ में बन जाएंगे। अब 14, 15, 16 का आपको ये हो गया। 17th को हम आप यहाँ लेके चलते हैं, 17th को हम लोग यहाँ कवर करेंगे आपका 3D, ठीक है, 3D आपका कवर करेंगे हम कहाँ आपका 17 तारीख को। फिर देन बात करते हैं आपका 18 तारीख को हम यहां कवर करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है, ये हुआ आपका यहां से। और देन आपका 19 और 20 जो है, 19 और 20 तारीख को हम कवर करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इतने टॉपिक तैयार करने के बाद जो है आपका सारा का सारा मैथ कवर अप हो जाएगा। अगर आप बोलो कि सर कोई ऐसा यहाँ पे टॉपिक है जो हमें डिफिकल्ट लगेगा, हम इसे छोड़ सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए कोई टॉपिक, तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हो, ठीक है, और इसके साथ इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन नहीं यार, अगर आप लोग नेक्स्ट 15 डेज, आज आपकी 5 तारीख है, 5 से 20, 16 डेज अगर आप ये फॉलो करते हो ना, मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपसे दिन के 3 से 4 घंटे मांग रहा हूँ, अगर 3 से 4 घंटे दिन में आप पढ़ के ये पूरा प्लान फॉलो करते हो ना, तो आपका जो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है FAA का, वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर देन एग्जाम का टाइम आएगा, हम अक्टूबर में फिर से इसकी रिवीजन कर लेंगे। तो आप कम से कम ये चीज़ फॉलो करके इन 16 डेज में आप अपना मैथ्स का पार्ट कंप्लीट करो। इसके साथ साथ जो आपका अकाउंटेंसी और आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका आपका साथ साथ में टेस्ट होता ही रहेगा। देन उसके साथ क्या रहेगा आपका, देखो यहाँ से हम लोग इसके बाद में आपका 25 से 30 के बीच में, ठीक है, आपके फुल लेंथ मॉक रखेंगे। क्या रहेगा आपका यहां से, फुल लेंथ मॉक रहेगा आपका यहां पे, ठीक है, फुल लेंथ मॉक रहेगा। और इस फुल लेंथ मॉक को देख के आप अपने एग्जाम की तैयारी करना फिर बंद कर दो। फिर देन एटलीस्ट कम से कम भी 2 या 3 घंटे दो यहां पे किसको, आप FAA को। और फिर हम नेक्स्ट मंथ आपका मूव करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर पे, काम मूव करेंगे आपका यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम पे। फिर हम आपका SI की तैयारी करेंगे नेक्स्ट मंथ में, आपका जुलाई मंथ में, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग है, आप लोग इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप लोगों को साथ साथ नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियोस अपलोड हुआ करें। आपके जो यूट्यूब की बात करूं तो आपके यूट्यूब पे अभी इंग्लिश के लेक्चर चल रहे हैं,
ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ करंट अफेयर जो है वो आपका चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर की मैं स्पेशल एक पीडीएफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, और साथ में जो मैथ का पार्ट है ये आपका पार्ट चल रहा है। जिसको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने चाहिए, कब से पढ़ने चाहिए, तो आपको जनवरी मंथ से करंट अफेयर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये मत करना कि हम मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको जनवरी मंथ से करंट अफेयर पढ़ने हैं और पढ़ने ही जरूरी है। क्लियर? सो ये था आपके लिए प्लान जो हम नेक्स्ट 25 डेज फॉलो करने वाले हैं। आप सब लोगों को फॉलो करना है, आप लोग पेड कोर्स में पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, चाहे कहीं और से पढ़ो, सब लोग आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आपको बस डिसाइड करना है कि एक पाथ में पढ़ें, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें, एक गाइडेंस के साथ पढ़ें, और वहां से आपको रिजल्ट निकल के आए। क्लियर? सो गाइस, ये आप लोगों के लिए प्लान था, फॉलो करो इसको अच्छे तरीके से। मिलते हैं लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।